हेलो, वेलकम टू चमेली कुजीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो केक विथ मैंगो ग्लेज। मैंने यूज़ किया है मैंगो कंपाउंड, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। मैंगो कंपाउंड मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं, इसे मैं मेल्ट कर लूँगी। डबल बॉइलिंग किया है मैंने, आप माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। अब मैंने एक रोज़ शेप का मोल्ड लिया है और इसमें ये मेल्टेड कंपाउंड डाल रही हूँ। मैं इतना डालूंगी कि ये कवर हो जाए और अंदर हॉलो रहे, ताकि जो चॉकलेट्स बन के आएंगी वो पूरी मैंगो टेस्ट हो। ये मैंने ड्राइड मैंगो, जिसे आम पापड़ कहते हैं, उनके छोटे टुकड़े काट के उसके अंदर फिल कर दिया है और एक कोटिंग करके डिफ्रीज कर दूंगी। ये मैंगो मैंने गुलाब खास यूज़ किया है, ये कुछ खट्टे होते हैं मैंगो, तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाल के इसका पल्प बनाना है। ये देखिए पल्प रेडी हो गया। अब मैं मैंगो ग्लेज के लिए 2 चम्मच मैंगो कंपाउंड डाल रही हूँ। ये मैंगो ग्लेज बना रही हूँ, जिसे हम केक के अंदर यूज़ करेंगे, और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच मैंगो पल्प, वो मेल्टेड मैंगो कंपाउंड का, और ये ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मिठाई में। आप मैंगो पल्प अपने हिसाब से बना सकते हो ये ग्लेज के लिए। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच न्यूट्रल जेल। मैंने सब कुछ 2-2 चम्मच ऐड किया है, आप अपने केक के अकॉर्डिंगली कितना आपको चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा बना सकते हो। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए एकदम रनिंग कंडीशन इस तरीके से होना चाहिए। ग्लेज अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और देखिए हमारा ग्लेज मैंगो एकदम परफेक्ट रेडी है। ये मैंने लिया है अमूल बटर 100 ग्राम्स, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर। इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है मैंगो एसेंस, ये कंपल्शन नहीं है, क्योंकि हम मैंगो पल्प ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 200 ग्राम मिठाई मेड। कंडेंस्ड मिल्क डालने से केक का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा होता है। ये मैंने अमूल का मिठाई मेड यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मिक्स कर लिया हमने, अब मैं ऐड करूंगी मैंगो पल्प। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बेसी कर सकते हैं, कम से कम 4 चम्मच चाहिए, बेसी आप डाल सकते हो 5 से 6 चम्मच। ये मैंने 4 चम्मच डाला है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब मैं सीव कर लूंगी 200 ग्राम मैदा, आप गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा है। इसे हम अच्छे से सीव कर लेंगे। ये हमारा सीव हो चुका है, अब मैं मिक्स कर रही हूँ। बलून बीटर जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल है, इसे मिक्स करने में बहुत ही कन्वीनियंट है। ये मैंने इसमें पानी ऐड किया है, पानी हमें 50-60 ग्राम्स ही लगेगा। ये देखिए बैटर कितना अच्छे से फूला हुआ सा लग रहा है एकदम, और मैंगो हमने डाला है इसलिए मैंने इसमें विनेगर ऐड नहीं किया केक बैटर में। अब मैंने 1 पाउंड के टिन को ग्रीस करके अब उसमें नीचे बेकिंग पेपर लगा दिया था, ताकि केक बहुत आराम से निकल जाए, और ये मैं पूरा डाल दे रही हूँ बैटर को कंटेनर में। आज मैं केक बनाना सिखा रही हूँ आपको कुकर में, इसे टैप कर देंगे ताकि जो भी एयर है अंदर वो बाहर आ जाए। मैंने कुकर को 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया था, एक जस्ट स्टैंड बैठाना है, नहीं हो तो आप कोई कटोरी या प्लेट बैठा सकते हो, और फास्ट कुकिंग करनी हो तो आप इसके अंदर नीचे नमक डाल सकते हो, और नहीं तो भी आप ऐसे भी बनाओगे तो बहुत परफेक्ट बनेगी, कुकर में सीटी नहीं लगानी। 40 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक करिएगा, 30-40 मिनट्स के बाद देखिए एकदम, और केक ने देखिए किनारा भी छोड़ दिया है परफेक्ट। इस तरीके से आप केक को डीमोल्ड कर दीजिए। मैंने केक के बेस पे ही केक को डीमोल्ड कर दिया है। केक हमेशा डीमोल्ड करने के टाइम में वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, एकदम गर्म केक को डीमोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। देखिए केक कितना सॉफ्ट और कितना कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। ये मैंने लिया है व्हिप क्रीम, अंदाज से 100 ग्राम्स लिया है। ये मैंने गोल्ड का व्हिप क्रीम यूज़ किया है, रिच गोल्ड का।
इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब मैंने लिया है एक स्लाइस, मैंने इसके 3 से 4 स्लाइस कर दिए। पहले हम लगाएंगे व्हिप क्रीम और फिर मैंगो के ऐसे स्लाइसेस लगा देंगे। फिर मैं वापस दूसरा लेयर डाल रही हूँ केक का, इसे भी हम पानी से करके। अब मैंने व्हिप क्रीम लगाया है, व्हिप क्रीम मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मैंगो ग्लेज, ये हम अच्छे से डालेंगे सारे लेयर्स में ताकि केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। और फिर ऊपर से मैंगो की स्लाइसेस लगा देंगे। अब जितने ज़्यादा डालो आपका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। ये मैं थर्ड लेयर वापस डाल रही हूँ, फिर वापस व्हिप क्रीम लगा के मैं पूरा मैंगो ग्लेज से कवर कर दूँगी। ये लास्ट लेयर मैंने लगा दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी ये नोज़ल, ये नेट वाला नोज़ल है, ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। इसे हम केक के कॉर्नर में नोज़ल से नेट बनाएंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन टानते हैं, फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और फिर जस्ट उसको क्रॉस करके। आप अगर देखोगे अच्छे से तो बहुत ही इजी है इस तरीके से नेट बनाना, और इससे केक का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये एकदम राउंड शेप का नोज़ल, एकदम स्मॉल होल है इसका। इससे मैं पाइपिंग कर रही हूँ मैंगो ग्लेज। आप चाहें तो मैंगो ग्लेज को पूरा लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन देने के लिए मैंगो ग्लेज को इस तरीके से लगा दिया। और फिर एक टूथपिक या एक स्टिक की मदद से इसे जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे पहले, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लेंगे। देखिए इस तरीके से एक सुंदर वेब वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं मैंगो ग्लेज को साइड में पाइपिंग भी कर दे रही हूँ ताकि ये ड्रिप हो नीचे तो और भी अच्छा लगे। कुछ मैंगो की एकदम पतली स्लाइसेस काट के मैंने लगा दी है। ये जो मैंने मैंगो चॉकलेट्स बनाई थी रोज शेप में, ये हमने लगा दी है यहाँ पे। ये मैंने लीफ वाला नोज़ल यूज़ किया है, इससे हम लीव्स बनाएंगे और लीव से हम मैंगो चॉकलेट्स और साइड कॉर्नर्स कवर करेंगे। हल्का प्रेस करके ऊपर खींचना है, देखिए कितने सुंदर लीव्स बन के निकलेंगे। आप जहाँ चाहे इसके डेकोरेशंस निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और देखिए वो कंप्लीट हो गई है पूरी केक। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और सीजनल है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे बनाने की। फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू।